हेलो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस सोनी के पोर्टेबल स्पीकर के बारे में। वैसे पोर्टेबल नाम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, वैसे इसकी साइज़ बड़ी है, इसे आप ट्रॉली स्पीकर भी बोल सकते हैं। वैसे इसमें ट्रॉली है नहीं, और इसको आप टावर स्पीकर भी बोल सकते हैं, मिनी टावर, पर ये सिंगल स्पीकर है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, पर साउंड की क्वालिटी और फीचर्स इसमें इतने ज़्यादा भर दिए हैं कंपनी ने कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, चेकआउट कीजिए, इसके बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन, इसके फीचर्स की। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलने वाली है, वैसे बहुत सारी कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाएगी, पर आपको कॉमनली बता दूँ कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है। और साथ ही साथ आप इसके अंदर कर सकते हैं कराओके, यानी कि आप अपने वॉइस में सॉन्ग भी आप गा सकते हैं, और इस टाइप का फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप माइक की कनेक्टिविटी भी आप दे सकते हैं। तो इसको फटाफट करेंगे अनबॉक्स। और सबसे पहले आपको ये और चीज़ बता दूँ कि इसका जो वेट है वो है 8 kg, और इसके अंदर आपको जो चीज़ें मिलती है वो है 2 AAA बैटरीज है, फिर AC जो पावर कोड है यानी कि वायर है इसको लाइट में कनेक्ट करने के लिए, वो वाला FM एंटीना वाला आपको यहाँ पर एरियल मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल है, फिर आपको यहाँ पर जो गाइड इसकी है यूज़र मैनुअल वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये छोटा सा यहाँ पर दे रखा है कुछ अटैचमेंट, ये है इसका वारंटी कार्ड। और इस स्पीकर को फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे बहुत टाइम से वीडियो हमने अपलोड नहीं की। ये है शानदार सोनी का स्पीकर, और इसमें आपको मिलती है कुछ एसेसरीज, इसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी बॉक्स पूरा खाली है, इसको हम साइड कर लेते हैं। और ये है सोनी का स्पीकर। आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार है। इसमें आपको और भी फीचर्स मिलते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे इसके इस अटैचमेंट, इस थैले के बारे में, इसमें क्या क्या आपको मिलता है। ये आप देख सकते हैं 2 AAA बैटरी, यूज़र गाइड, और कुछ ये भी है यूज़र गाइड। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाता है, पता नहीं, टोल फ्री नंबर है कस्टमर केयर वाले। ये है FM एंटीना वाला, और ये इसका रिमोट सोनी का। इसको हम साइड कर लेते हैं और इस स्पीकर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा और शानदार लुक है, और फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है सब वूफर। और इसकी जो साइज है, लगभग इसकी साइज होगी 5.5-6 inch इसकी साइज हो जाएगी इस वूफर की। और यहाँ पर आपको मिलती है डिस्प्ले इस ब्लैक वाले पोर्शन पर, और यहाँ से दूर से आपको अंदर वाला सब वूफर भी दिख रहा होगा। और नीचे की तरफ आपको मिलते हैं ये 2 हॉल है, जिससे कि हल्का बेस आपको और भी अच्छा सुनाई देगा। और यहाँ पर ये ट्विटर है 2। और पीछे की तरफ आपको बता देता हूँ पीछे में आपको क्या मिलने वाला है। ये है पावर कोड जो हमने अटैच की है, और यहाँ पर आप कर सकते हैं कनेक्ट, यानी कि ऑक्स केबल आप कनेक्ट करके अपना फ़ोन डायरेक्ट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके पास में जो पोर्ट दे रखा है वो है माइक का। यहाँ पर आप अपने माइक की कनेक्टिविटी देकर आप कराओके रिकॉर्ड कर सकते हैं या गा भी सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर पास में एक और पोर्ट मिलता है, वो यहाँ पर मिलता है एंटीना वाला, और उसके पास जो पोर्ट है वो है USB, यानी कि आप अपनी पेन ड्राइव इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये है हमारा सोनी का एक पोर्टेबल स्पीकर, और इसके जो फीचर्स है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको बहुत से अलग अलग यहाँ पर कीज़ मिल जाती है, जो सबसे पहली वाली की है ये है ऑन ऑफ की, और ये है प्ले और स्टॉप वाली की है, ये स्पीकर लाइटिंग वाली है। आप देख सकते हैं अंदर जो लाइटिंग हो रही है, इसको अगर बंद करना है तो ये वाली की काम आएगी, और स्टार्ट करना है वापस तो इस की को प्रेस कीजिए। और यहाँ पर जो ट्यूनिंग वाली देख रहे हैं, या आप FM अगर आप चलाते हैं तो आप इससे सेट कर सकते हैं। ये बैटरी है, आप इसके अंदर बैटरी भी लगा सकते हैं,
आई थिंक मेरे हिसाब से, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का ये यहाँ पर बटन दे रखा है। बाकी यहाँ पर माइक सेटिंग है, यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने का है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाएंगे। साउंड फिल्टर है, यानी कि अगर साउंड के अलग अलग जो यहाँ पर डिस्प्ले आप देख सकते हैं फ्रंट में है, इसमें आपको साउंड के अलग अलग जो इफ़ेक्ट आपको डालने हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस साउंड वाले फीचर से। और यहाँ पर जो मेगा बास वाला आप देख सकते हैं, मेगा बेस वाला जो की दे रखी है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा हैवी बेस आपको सुनाई देगा, और इसको ऑफ़ करते हैं तो वापस थोड़ा सा बेस यहाँ पर कम हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट जो की है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाली है ब्लूटूथ की, इससे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। ये फंक्शन की है, यानी कि इस फंक्शन की को आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर FM आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऑडियो इन वाला ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर CD वाला, यहाँ पर USB, फिर यहाँ पर लास्ट में वापस ब्लूटूथ। और यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वोकल वाली है, यानी कि अगर आप कराओके वगैरह आप यहाँ पर गीत वगैरह गाना चाहते हैं तो यहाँ पर पीछे वाला जो वोकल यानी कि पीछे वाला साउंड आपको सुनाई देगा, जबकि यहाँ पर जो जिसकी वॉइस है उस सॉन्ग में वो आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगी, यानी कि आप मिक्स कर सकते हैं। माइक का इको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, और यहाँ पर आप CD भी लगा सकते हैं, DVD वगैरह, ये अच्छा ऑप्शन दिया इसके साथ, DVD प्लेयर भी इसमें अटैच है। छोटा सा रिव्यू था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको बताते हैं इसका साउंड टेस्ट, कि इसका साउंड कैसा है और साउंड की क्वालिटी कैसी है। तो मैंने यहाँ पर इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लूटूथ वाले की को यहाँ पर प्रेस करके रखना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद अपने फ़ोन के अंदर सर्च कीजिए ब्लूटूथ को, उसके बाद ही सर्च होगा, डायरेक्टली आप दूसरे जो स्पीकर होते हैं उसके जैसे आपको यहाँ पर सुनाई नहीं देगा, सॉरी कनेक्टिविटी मिलने वाली नहीं है, डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा इसको प्रेस करने के बाद कनेक्ट। और यहाँ पर इस डिवाइस का नाम भी आ रहा है OPPO A57। और यहाँ पर मैंने रॉयल्टी फ्री म्यूजिक चलाया है, अगर आप कोई दूसरा म्यूजिक भी प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पर और भी अच्छा साउंड सुनाई देगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक हमारा एक और चैनल है जो कि उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, स्मार्ट हेल्प किड्स करके, यानी कि बच्चों के लिए हमारा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और बाय बाय।